દિલ્હીમાં યુથ કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન, સાંસદોના સસ્પેન્શન મુદ્દે કોંગ્રેસના દેખાવો. યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકરો દ્વારા હાલમાં ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યો છે. કોંગ્રેસના 58 જેટલા સાંસદોને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે તે મુદ્દે કોંગ્રેસનું યુથ કોંગ્રેસ જે છે તે પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. ફોનલાઈન પર અજય યાદવ જોડાઈ ગયા છે. અજય, જિસ પ્રકાર સે સારે સાંસદો કો હાલ જો સસ્પેન્શન કિયા ગયા હૈ 58 જીતને, અભી યુથ કોંગ્રેસ કા વિરોધ પ્રદર્શન યથાવત હૈ ક્યા, જાણકારી પ્રાપ્ત હો રહી હૈ? देखिए, निश्चित तौर पर जो विपक्षी दलों के जो सांसदों का सस्पेंशन हुआ है उसको लेकर के लगातार हंगामा कई दिनों से चल रहा है. आज संसद के भीतर भी सांसदों की तरफ से प्रदर्शन किया गया. वहीं संसद भवन से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित जो यूथ कांग्रेस का ऑफिस है वहां पर बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के वर्कर्स जुटे थे, उनकी तरफ से भाषणबाजी की गई और खास करके प्रदर्शन किया गया. लेकिन इस प्रदर्शन को देखते हुए संसद से चूंकि महज 200-300 मीटर की दूरी पे ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी. संसद भवन को सिक्योरिटी काफी मुस्तैद की गई थी. बैरिकेड लगा करके संसद भवन की तरफ जाने वाले जो सारे रास्ते थे उसको ब्लॉक किया गया था. और कुल मिला के जब यह प्रदर्शन शुरू हुआ तो दिल्ली पुलिस की कोशिश थी कि किसी भी सूरत में ये प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ बढ़ने ना पाए. लेकिन कांग्रेसी जो यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनकी तरफ से काफी जोर शोर से इसका प्रदर्शन किया गया और जितने भी सांसद निलंबित हुए हैं, जिस करीब 150 की संख्या बताई जा रही है, सभी के पोस्टर बैनर कटआउट के साथ लोकतंत्र की हत्या जैसे स्लोगन के साथ ये तमाम सारे प्रदर्शन चल रहे थे. तो एक तरह से ये प्रदर्शन अब एक तरह से कंट्रोल हो चुका है और कई सारे लोग इसमें हिरासत में भी लिए गए हैं. जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए. जय